प्रथम तहलका न्यूज। बाजार में घूमती दिखाई दे रही पुलिस के टीम की ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के बाजार से सामने आई है, जहां पर शहर के एसीपी पुलिस टीम के साथ बाजार में उतरे और बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। कुछ को तो समझा बुझा कर वहां से भगा भी दिया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बल्लभगढ़ के एसीपी ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। उनके साथ संबंधित थाने और चौकी की पुलिस भी मौजूद रही। एसीपी महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और इसके साथ ही बचाव के तरीकों से भी अवगत करवाया। देखिए, हम आज इसका पूरा हमने मार्केट का दौरा किया है और बीच बीच में हम मार्केट को चेक करते रहते हैं। हमारी पुलिस कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है, तो मार्केट मोस्टली बंद है। जो ओनली ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली है, तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि अननेसेसरी पब्लिक बाहर ना घूमे और किसी काम से जाना है तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाए, अपने हाथों कंटिन्यू सैनिटाइजर वो करते रहे। कई सर ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं, लोगों को क्या? हम ऐसे आदमी जो मिलते हैं उनके खिलाफ 188 IPC के और डिजास्टर मैनेजमेंट के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मास्क के भी चलाना हम टाइम पे कर रहे हैं। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? देखो, मेरी तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते यही अपील है सभी समाज से, पब्लिक से, कि वो अननेसेसरी घर से बाहर। लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की हिदायत दी गई है। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही बिना काम घर से निकलने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए बल्लभगढ़ से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।